बच्चों, तो चॉकलेट बहुत ही हार्मफुल होता है। जो बच्चे इन्हें खाते हैं ना, उनके दांत खराब हो जाते हैं। ओके, तो आप चॉकलेट नहीं खाओगे। ओके, नूडल्स जो होते हैं, सभी बच्चे मैंने देखा है मैगी, नूडल्स, पास्ता, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन ये नहीं खाना चाहिए। ये हमारे डाइजेस्टिव को क्या करती है, मतलब जो भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट नहीं करते हैं और ये ऐसे ही रहते हैं। ओके, तो इससे हमें, हमारे पेट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको ये नहीं खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। स्वीट्स कैन बी प्लेजरेबल टू ईट, बट टू मच ऑफ देम कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ। ओके, जो ये केक पेस्ट्रीज होते हैं ये भी हार्मफुल होते हैं, लेकिन बर्थडे वगैरह पे कभी कभी आप लोग खाते हैं। आपको तो बहुत पसंद है ना केक और पेस्ट्री, इसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, डोनट्स भी अनहेल्दी होते हैं। नेक्स्ट। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ये भी अनहेल्दी हैं, ये भी जैसे जिन्हें शुगर होता है या बीपी होता है उनके लिए तो बहुत ही हार्मफुल हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आज हमने हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड के बारे में पढ़ा है, लर्न किया है, ऐसे ही आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने पेन के साथ रीडिंग करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।